हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द प्रश्नोत्तर की पाठशाला। प्रश्नशाला के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम एक क्लास में एक पूरा चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलीमर्स। तो क्लास 12 का ये चैप्टर नीट जेई दोनों के ही एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है। और दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर इन द केमिस्ट्री। मुफ्त के नंबर है, सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और एग्जाम के दिन पढ़ेंगे। चैप्टर तैयार। तो चार नंबर के लिए तैयार हो जाइए, बहुत आसान। बोर्ड्स वगैरह में भी इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन नीट जेई में तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारी क्लासेस समझ आ रही है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को, और प्रश्नोत्तर ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, प्रश्नशाला बैच में एनरोल होना मत भूलिएगा। और एक और बात ये है कि हमारी नए सेशन की सारे एडमिशन प्रोसेसेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव। ठीक है, और जो रिकॉर्डेड सेशन है, सारी बैचेस में एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग अपना एनरोलमेंट करा लीजिए, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे हमारे कोर्सेज हैं। आप बिलीव नहीं कर सकते इतने अफोर्डेबल प्राइस पे हमारे कोर्सेज हैं, और इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट फैसिलिटीज आपको ट्रेन करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को आपके कोर्स ऑप्ट करने हैं, उनको जरूर से एक बार जाके ऐप पर प्रश्नोत्तर ऐप डाउनलोड करके वहां पर सारी कोर्सेज की डिटेल्स पड़ी हुई हैं, आप वो डिटेल्स यूज कर सकते हैं, और वहां से आप हमारे कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर या डायरेक्ट चैट बॉक्स से भी आप इन कोर्सेज के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। कोर्स को ऑप्ट करना बहुत सिंपल है, सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं ऐप में, जितने भी कोर्स हैं और कोर्स की सारी डिटेल, डिस्क्रिप्शन, डेमो वीडियोज, एवरीथिंग। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। आवाज आ रही है सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत आसान चैप्टर, एक क्लास में खत्म होने वाला। सो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स। पॉलीमर होते क्या हैं? सबसे पहला, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे या मेनी, और ये किससे बने होते हैं? एक जैसी रिपीटिंग यूनिट या एक से ज्यादा अधिक, बट रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, इनको कहते हैं पॉलीमर्स। मर का मतलब होता है यूनिट या रिपीटिंग यूनिट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो इन्हीं चीजों को हम कहते हैं मोनोमर। जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो रिपीट होती हैं, उनको कहते हैं मोनोमर, और जो चीज कॉम्प्लेक्स बन के दिखती है वो क्या कहलाती है? पॉलीमर। चलिए तो इस तरीके का देखिए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? डीएनए। ओके, चलिए अगली बात आती है कि फाइबर। व्हाट इज फाइबर? तो फाइबर क्या है? दीज आर द थिन थ्रेड लाइक मटेरियल, ठीक है, विच कैन बी वोवन इनटू द फाइबर और स्पन। ओके, चलिए, थिन, शॉर्ट, थिक, लॉन्ग, बहुत तरीके के फाइबर्स होते हैं। एक एक करके सब कुछ डिस्कस करते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? तो पॉलीमर का मतलब होता है इट इज डिफाइंड फॉर द वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। केवल वो चीजें आप अंडरलाइन करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 10^3 to 10^7 यू, ठीक है, इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी रिफर करते हैं। पॉलीमर्स जो हैं आर हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड एंड दे आर फॉर्म टुगेदर ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, जिनको हम कहते हैं मोनोमर। बहुत सारे मोनोमर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं मोनोमर। इस तरीके के ठीक है, तो बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट, बहुत गुड इवनिंग बेटा, बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर, रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हमको इस पूरे चैप्टर को एक क्लास में खत्म करना है, ठीक है। चलिए तो पॉलीमर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो है इथीन। क्या है? इथीन। तो देखिए इथीन कैसे होता है, तो कहेंगे सर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो बहुत सारे इथीन तो मिलके क्या बनाते हैं? पॉली इथीन। तो होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर, और यहाँ पर, तो इस तरह से
सी एच टू, सी एच टू, ठीक है। अब देखो बहुत सारे हैं ना, इसके बाद फिर से सी एच टू, सी एच टू, और ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे और इस तरीके की रिपीटिंग यूनिट बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीइथीन। किस तरीके का पॉलीमराइजेशन है? एडिशन पॉलीमर है ये। क्या है? एडिशन पॉलीमर है। देख रहे हैं बहुत सारे इथीन है, मल्टीपल बॉन्ड थे, उन मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक किया और हम लोगों ने उनको जो है आपस में इंटरलिंक करा दिया, तो बहुत लंबी ऐसी चेन बन के जाएगी जिसको कहेंगे पॉलीइथीन, इसीलिए मैंने वहां पे एन लिख दिया है। देखिए तो C2H4 इज इथीन, तो बहुत सारी C2H4, देखो ये, अब इसका एनिमेटेड व्यू देख लो आप, दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और वहां पर क्या हो गया, दो ऑड इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। सिमिलरली यहां पर भी यही सेम चीज होगा और दो ऑड इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे और दो भैया एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इस तरीके की रिपीटिंग यूनिट। और इसके बाद हमको क्या मिल गया, पॉलीइथीन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत आसान बेटा, ये समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। अब बात आती है कि मोनोमर क्या है, तो कहेंगे रिपीटिंग यूनिट, जो चीज बार बार रिपीट हो रही थी और वो क्या थी, इथीन, और बहुत सारी इथीन मिलके क्या बनाएंगी, पॉलीइथीन, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, तो प्रोसेस बाय विच मोनोमर जो है वो कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर में, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। आगे चलते हैं, व्हाट इज मैक्रोमोलिक्यूल, तो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, तो कहेंगे सर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड एंड आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, जैसे कि लिपिड, ये सब क्या है, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल लगभग सेम है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि पॉलीमर्स में जो चेन होती है या जो रिपीटिंग यूनिट है वो बहुत ज्यादा होती है और मैक्रोमोलिक्यूल्स में रिपीटेड यूनिट कम होती है, छोटे छोटे पॉलीमर्स आप कह सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीमर में जनरली रिपीटिंग यूनिट होती है जबकि मैक्रोमोलिक्यूल में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन कह रहे हैं कि जितने भी पॉलीमर होते हैं सब के सब मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, लेकिन जितने मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे पॉलीमर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए एक बार नोट कर लीजिए ये वाला पॉइंट। नोट हो गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं, बहुत आसान है, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। कह रहे हैं हायर मॉलिक्यूलर वेट है मॉलिक्यूल और इसमें रिपीटिंग यूनिट नहीं है, तो भैया क्या होगा ये, सॉरी मैक्रो मॉलिक्यूल, सॉरी ठीक है, पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड मैक्रोमोलिक्यूल बोथ ए एंड बी, द राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब बात आती है फाइबर्स की, तो वाटर फाइबर इट इज अ थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अगेन बोथ ए एंड बी, एक सेकेंड, ए फाइबर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैन बी स्पन और वोवन इनटू फैब्रिक, यार होना तो दोनों चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो कि बेस्ड है सोर्स पे, इंपॉर्टेंट है ये चीज, इंपॉर्टेंट है, अब चीजें इंपॉर्टेंट हो रही हैं, जो कहूंगा सिर्फ वो लिखिएगा, उसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बेसिस है सोर्सेस की, दूसरी बेसिस है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, तीसरी बेसिस है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे कि कौन सा फोर्स लग रहा है, एमाइड लिंकेज है या फिर जो है इलास्टोमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कौन सा फोर्स लग रहा है, ओके। अब बात आती है कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स,
तो दो तरीके के पॉलीमर होते हैं, एक होता है नेचुरल पॉलीमर, एक होता है आर्टिफिशियल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं कि विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, इनको कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। इसका एग्जाम्पल है प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन और रबर। आपके लिए इंपॉर्टेंट है रबर, बाकी चीजें तो आपको पता है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है रबर। आर्टिफिशियल पॉलीमर या तो ये ह्यूमन के द्वारा, दैट इज कॉल्ड अ सिंथेटिक, या फिर ये मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर है। तो बेटा आर्टिफिशियल दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और एक होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, एक होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और एक होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। चलिए ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर बेटा एनिमल्स के भी हो सकते हैं और प्लांट पॉलीमर्स हो सकते हैं। एनिमल में क्या होगा, तो कहेंगे सर प्रोटीन फाइबर्स होंगे, और प्लांट में वेजिटेबल फाइबर और सेलुलोज फाइबर्स हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं जाएगा। मैन मेड पॉलीमर या आप कह सकते हो सिंथेटिक पॉलीमर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीइथीन। हेलो बेटा, ठीक है, मैन मेड पॉलीमर का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीइथीन। ओके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए एनिमल पॉलीमर में किसकी किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल पॉलीमर में बात कर रहे हैं सिल्क की, सिल्क की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रियन। इसके बाद वूल की, दैट इज किराटिन। ओके चलिए आगे चलते हैं, प्लांट पॉलीमर्स में क्या क्या आ सकता है, कॉटन आ सकता है, कॉटन फाइबर्स आप जानते ही हैं, जूट आ सकता है, रबर आ सकता है और फ्लैक्स आ सकता है, हेम्प आ सकता है। हेम्प तो आजकल मार्केट में इतना कॉमन हो गया है, हेम्प के आप लोगों के घरों में भी आते हैं, हेम्प के जो है चादर वगैरह, तो हेम्प के फैब्रिक जो है बहुत बिकते हैं। एक जो है फैब्रिक होता है चादरों में यूज होता है, वो ब्राउनिश कलर का, क्रीमिश कलर का होता है, शॉल वगैरह में भी यूज होता है। वो नया रहता है तो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब वो पुराना होने लगता है तो वो बहुत गर्मियों में ठंडा करता है, ठंडियों में गर्म करता है। लोग वो मतलब वो चादर ही किसके बने होते हैं, हेम्प के बने होते हैं। उत्तराखंड में हेम्प की खेती होती है जनरली। हेम्प जो है लोग सोचते हैं कि हेम्प मतलब भांग का पेड़, बट ऐसा नहीं है। हेम्प की बहुत सारी ऐसी वेराइटीज है जो नॉन नार्कोटिक है, ठीक है, तो नार्कोटिक तो मिलते होते हैं, जाहिर सी बात है कि हेम्प जो है नार्कोटिक्स में भी आता है, बट हेम्प की बहुत सारी ऐसी वेराइटीज भी है उत्तराखंड में, बहुत ज्यादा है इनका बिजनेस, ठीक है, तो वहां पर ये हेम्प की वैरायटीज जो है आपको वो कह सकते हो आप नॉन नार्कोटिक वाली होती है, और उससे उसकी खेती करते हैं और उससे ये उनके जो है पेड़ से, उनके रेशे से क्या बनाते हैं, कपड़े या फैब्रिक्स बनाते हैं, लिनन। ये तो बहुत बहुत ज्यादा आपको तो पता ही है कि लिनन कितना मार्केट में, कितना जो है फैंटेसी होती है लोगों को लिनन के कपड़े पहनने में गर्मियों में, ठीक है। तो प्योरेस्ट सेल्यूलोज इज लिनन, बहुत महंगे कपड़े आते हैं लिनन वगैरह के। हाँ इस बार आप लोग की फीस आएगी तो हम भी खरीदेंगे। सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर स्टार्ट करें। अच्छा ये अच्छा है, मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर कोई चीज डिमांड करता हूँ यूट्यूब पे जब आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें से कोई ना कोई हमको वो चीज़ ना गिफ्ट कर दिया करता है, तो और मैं भी बड़े खुशी मन से यहाँ पर आप लोगों से मांग भी लेता हूँ, राइट, कि कोई ना कोई तो सुन ही लेगा, वहां कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पार्सल आ जाएगा। आप लोगों को बताया था ना किस्सा लास्ट वाला, कि मैंने बताया कि मुझे क्रीम से एलर्जी है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए लगानी पड़ती है, क्योंकि चेहरा अच्छा नहीं लगेगा तो आप पढ़ाई भी नहीं करोगे, कहोगे कौन पढ़ा रहा है, वैसे तो फिर भी अच्छा नहीं लगता। खैर तो वहां से अभी मेरे पास एक बार क्रीम आई थी, अगली बार मैं कुछ और मांगूंगा, कुछ और आ जाएगा, किसी ना कोई भेज दिया करेगा, ठीक है। चलिए बट आगे चलते हैं, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल, मैंने ये चीजें आपको पढ़ा दी। आर्टिफिशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल दो तरीके के पॉलीमर होते हैं, एक होता है सेमी सिंथेटिक, दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर। एक क्लास का चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें, खाली लग रहा है कुछ भी नहीं है। तो नेचुरल पॉलीमर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए रबर, ठीक है, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक पॉलीमर। तो सेमी सिंथेटिक में क्या है, तो कहेंगे सर
ये नेचुरल पॉलीमर के अंदर ही केमिकल मॉडिफिकेशन करके बनाया जाता है, ठीक है। जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, पॉलीमर फैक्ट्रीज, इनका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है रेयॉन। रेयॉन के कपड़े आते हैं ना मार्केट में, रेयॉन की शर्टें आती हैं आजकल, आजकल तो बहुत मिलती हैं, जो आप ब्रांड्स में देखते हो तो लिखा होता है रेयॉन के कपड़े। तो ये कैसे बनते हैं? सेल्युलोज एसीटेट, ठीक है। तो इसका क्या कराया गया है? सेल्युलोज में एसीटाइलेशन करा दिया गया, तो बन गया भैया सेल्युलोज एसीटेट। सेल्युलोज का नाइट्रेशन, दैट इज सेल्युलोज नाइट्रेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ब्यूना एस नोट कर लीजिए। तो ब्यूना एस किससे बना हुआ? ब्यूटेन वन, ब्यूटा वन टू डाइईन प्लस स्टाइरीन। एस शब्द बेटा देख लो, एस शब्द है, दो मोनोमर है, एक है ब्यूटा वन कॉमा टू डाइईन और इसके साथ स्टाइरीन। अभी लिखवाएंगे आगे, दोनों मिलके क्या एक पॉलीमर बनाते हैं, उस पॉलीमर का नाम है ब्यूना एस। इसी तरह एक और आता है ब्यूना एन, ठीक है। तो अभी पढ़ाएंगे सब, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? कि ये मैनमेड पॉलीमर होते हैं। इनका एग्जांपल क्या होता है? तो सबसे पहला एग्जांपल है पॉलीइथीन, दूसरा एग्जांपल है नाइलॉन, तीसरा एग्जांपल है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन 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 टेफ्लॉन, बेकेलाइट, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ठीक है। देखो ये सब जान लो आप, ये सब जान लो आप। अब पॉलीइथीन तो आपको मैंने बता दिया, दूसरा है आपका नाइलॉन। नाइलॉन क्या है? नाइलॉन की पाइप्स आती हैं, नाइलॉन के कपड़े लोग यूज करते हैं। दूसरा आता है, तीसरा देखो टेफ्लॉन, जो आप लोग इंडक्शन वाले कुकर कुकवेयर्स लेते हो, नॉन स्टिक कुकवेयर्स, तो नॉन स्टिक कुकवेयर्स में ये टेफ्लॉन ही तो यूज होता है। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, तो इथीन है, देख रो डबल बॉन्ड है, वो तोड़ दोगे तो टेट्रा फ्लोरो इथीन, टेट्रा फ्लोरो इथीन, टेट्रा फ्लोरो इथीन, सब आपस में मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की कोटिंग से याद आया, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, पहले आप नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे एक अटेंडेंट थे गंगाराम, तो हम लोगों को जब, अब जैसे क्या है कि हॉस्टल वगैरह में आप तो जानते ही हो कि लगभग सब, वैसे तो सब कुछ मिलता है, बट वहां पर आप फिर भी मैगी बनाने के लिए या अंडे उबालने के लिए, मतलब तो इन चीजों के लिए आपको अपना कुछ ना कुछ आप रखते हो। तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत प्यारा प्यारा सा टेफ्लॉन वाले, वो नॉन स्टिक वाले कुकवेयर्स दिए थे। तो मैं गया था और वो बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत काले काले रंग के, अंदर से कोटिंग अच्छी खासी होती है और सॉफ्ट भी होता है ना, बहुत प्यारा प्यारा। और इंडक्शन था, गैस वगैरह थी छोटी मोटी। अब वो हम लेके आए, रखे हुए थे काफी दिन से। फिर हम, हमारे अटेंडेंट साहब थे गंगाराम, तो वो कुछ दिन हमारे साथ रुके। तो गंगाराम ने क्या किया कि वो गए किचन, कह लाइए लाइए भैया मैं आपके लिए कुछ बना लाता हूँ। मैंने कहा बना दीजिए। तो गंगाराम साहब जो गए, उन्होंने वो कुकवेयर देखा, उनको लगा कि यार ये तो जल गया है बहुत ज्यादा, बिल्कुल काला काला हुआ है। और बड़े मासूम से हैं गंगाराम, अभी भी आते हैं, अभी भी मिलते हैं, मुलाकात होती है, चाहे हॉस्पिटल में मुलाकात हो चाहे जहां पर भी, तो वो अभी भी, उनका वो भोलापन अभी भी है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने उनको, वो बिना मुझे बताए, कि उनको लगा कि भैया क्यों साफ करेंगे, नहीं हम साफ कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, घर हमारे हॉस्टल से गए नीचे, नीचे जो है एक हमारे यहाँ ग्रोसरी की शॉप थी, तो वहां से वो लोहे वाला, स्टील वाला एक जूना आता है, आप लोगों को पता होगा, एक तो प्लास्टिक वाला आता है आजकल, एक स्टील का भी आता है, तो वहां से उसको लाए, क्योंकि उनको लग रहा था ये बहुत ज्यादा काला हो चुका है। वो उसको लेके आए हैं, बकायदा उन्होंने पूरा उसको रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के, विश्वास मानिए वो, क्योंकि वो पूरी एल्यूमिनियम का होता है और इसके ऊपर बस कोटिंग होती है, उन्होंने रगड़ रगड़ के उसका पूरा कालापन, पूरा टेफ्लॉन हटा दिया। और मुझसे कहते हैं कि भैया कितना कितना जो है काला तवा था ये, देखिए मैंने कितना अच्छा साफ कर दिया। अब मैंने कहा, एक बार ही मैंने ऐसे ध्यान नहीं दिया कि अरे यार ये क्या है। फिर गंगाराम बताते, भैया एकदम काला था। हमने, काला था? अरे साहब ये इस तरीके का आता ही है। कह रहे अरे भैया, मैं आपको बताऊं ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो ठीक है, पर देखिए उनका प्यार भी तो कितना था कि भैया को मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए उन्होंने खुद ही इतने इतनी मेहनत कर डाली। आगे चलते हैं रेयॉन के बारे में। तो रेयॉन कैसा है? तो कहेंगे सर इट इज एन आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ नेचुरल पॉलीमर सेल्यूलोज। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अगला है इंपॉर्टेंट, पॉलीमर बेस्ड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो अब ये नोट करिएगा, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर की बेसिस पर। तो सबसे पहले पॉलीमर जो है, तो देखो क्या है, सबसे पहला है लीनियर पॉलीमर। क्या है? लीनियर पॉलीमर है। दूसरा पॉलीमर है स्ट्रक्चर की बेसिस पे ब्रांच्ड पॉलीमर। देखो ब्रांच्ड पॉलीमर दिख रहा है, ये ब्रांच्ड लगी निकल रही है। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक देखो कह रहे हैं आपस में ब्रांच भी है, ऐसे से ब्रांच भी है, उसके अलावा भी ब्रांचेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए करके देखिए, ठीक है, ये इस तरह है, इस तरीके का है। मतलब यहाँ पर एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा पांचवा, फिर एक दो तीन चार। अब ये वाला देखो तो आप दिख रहा है कि एक मोनोमर दो तीन चार, अब ये नीचे वाले से भी कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी होगा, ओके ये है ब्रांच, लेकिन ये है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक का मतलब क्या है, जैसे ये वाला मैं आपको सिखाऊं तो ग्लाइकोजन जानते हैं, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, प्लांट्स में स्टार्च स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। दो मोनोमेरिक यूनिट होती है, एक होता है एमाइलोज दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, देखो एमाइलोज 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 के अंदर कार्बन जो ग्लूकोज, देखो अब दो तरीके के लिंकेज होते हैं, कैसे लिंकेज होते हैं। तो एमाइलोज में जैसे मान लो ये एक ग्लूकोज है, सॉरी ये एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, ये तीसरा ग्लूकोज है। तो यहाँ पर जो लिंकेज है वो 1.4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, 1.4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। इसके अलावा ये जो एमाइलोपेक्टिन होता है, ये इसके अलावा बेटा दूसरा ग्लूकोज है, ठीक है। अब मैं दूसरी लेयर बना रहा हूं, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। तो बेटा ये इसके अलावा 1.4 लिंकेज है, इसके अलावा ये एक और तरीके के ब्रांचिंग लिंकेज बनाता है, इसको कहते हैं 1.6 ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। अब देखो यहां पर एमाइलोपेक्टिन में 1.4 लिंकेज भी है और 1.6 लिंकेज भी है, ठीक है। फिर ये है 1.4 1.4 1.4, इससे आपको ये समझ में आया कि ये ब्रांच्ड है। कैसा पॉलीमर है? ब्रांच पॉलीमर है। अब बात आती है क्रॉस लिंक, या जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी या जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे एक ही मोनोमेरिक यूनिट के दूसरे से, उतना ज्यादा स्टेबल पॉलीमर बनेगा, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। आगे चलते हैं, तो लीनियर पॉलीमर में क्या होता है, लॉन्ग कॉन्टिन्यूस चेन होती है, किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीमर, दूसरा एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तीसरा एग्जांपल है पॉलीईस्टर, चौथा एग्जांपल है नाइलॉन। अच्छा एक बात याद रखना, कहीं पर भी नाइलॉन दिख जाए तो याद रखना नाइलॉन में हमेशा एमाइड लिंकेज होता है, एमाइड लिंकेज दैट इज CONH, इस टाइप का लिंकेज होता है। कुछ मोनोमेरिक यूनिट लगेगी, फिर मोनोमेरिक यूनिट लगेगी, फिर ये वाला लिंकेज होगा, फिर मोनोमेरिक यूनिट लगेगी, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, देख लीजिए, तो एमाइड लिंकेज होता है CONH। हेलो मैम, चलिए तो CONH, आगे चलते हैं। तो ब्रांच्ड क्या है, तो पॉलीमर है वन मेन चेन एंड छोटी छोटी साइड चेन होती हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है, लो डेंसिटी पॉलीइथीन। अच्छा देखो हाई डेंसिटी पॉलीइथीन टिफिन वगैरह बनाने के काम में आती है, ये देखो लो डेंसिटी पॉलीइथीन, क्या तुमको कुछ याद नहीं आ रहा, टपर टपर करके तोड़ते थे, पैकेजिंग वाली पन्नी है ये, ठीक है। तो पॉलीप्रीन, ठीक है। तो ये देखिए अब चलते हैं आगे, क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है,
मैं तुम्हें बताऊं वो है इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो है बेटा वो किसकी बनी होती है, बेके लाइट की बनी होती है। अच्छा एक बात याद रखना, कुर्सी गर्म करो गल जाएगी, पन्नी गर्म करो गल जाएगी, गल के छोटी हो जाएगी, पिघलने लगेगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस जब गर्म होती है ये जल जाती है और कड़ी हो जाती है, कड़ी हो जाती है क्योंकि ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होती है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हीट रेजिस्टेंट होती है। हाँ अभी मैं एक दिन यूट्यूब पे देख रहा था, यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो कुछ जो है बहुत ज्यादा विद्वान कम केमिस्ट्री पढ़े हुए लोग, उन्होंने क्या किया कि वैसलीन का बॉक्स लिया, और वैसलीन का बॉक्स लेके मैं आपको बताता हूं, उन्होंने ऐसे वैसलीन का बॉक्स लिया और ये कैप है उतार वैसलीन का, तो वैसलीन का ये बॉक्स है, इस तरीके का कैप लिया, उन्होंने यहां पर एक छेद किया और यहां पर एक छेद किया और यहां पर एक छेद किया, यहां से उन्होंने वायर डाले और यहां से उन्होंने, यहां पर उन्होंने वो ऐसे फीमेल वाला वो नहीं होता जब इसमें आप सॉकेट, ठीक है, चार्जर बनाया ऐसा करके। और उसके बाद उन्होंने कहा भैया अगर आपको मोबाइल चार्ज करना हो, वो बना रहे थे एक्सटेंशन कॉर्ड, कह रहे थे अगर आपको बनाना है घर पे 10 रुपए खर्चा मत करो, वैसलीन खरीदो, वैसलीन इस्तेमाल करो, उसके डब्बे से इलेक्ट्रिक ऐसे सॉकेट बना लो, ऐसे सॉकेट बना लो और उसके अंदर अपना जो है चार्जर वगैरह लगा के फोन चार्ज करो। हमने कहा अच्छा, ये जो मटेरियल है ये थर्मोप्लास्टिक होता है, कभी वैसलीन का डब्बा लेना मार्केट में, हल्का गर्म करोगे गल जाएगा, ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है, ठीक है, एक बार जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, जैसे जैसे मेटल गर्म होगा ये पिघलना शुरू होगा और उसके बाद लगेगी आग, उसके बाद ना रहेगा सॉकेट, ना रहेगा चार्जर, ना रहेगा फोन और ना देखोगे तुम यूट्यूब, ठीक है। तो ऐसे जो है बेवकूफी वाले वीडियोस कभी मत देखा करिए, इनको इग्नोर किया कीजिए। हाँ ऐसे बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे उनको मटेरियल वगैरह का कुछ पता नहीं है, वो बस बनाए जा रहे हैं। तो अब आती है बात, आती है बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट कैसे है, तो थर्मो सेटिंग पॉलीमर, यही है, क्रॉस लिंक का एग्जाम्पल है। दूसरा है मेलामाइन, वो जो जाते हो घर पे क्या होता है, घर पे खाना खाया प्लेट बड़ा संभाल के किचन में रखते हो, लेकिन यही प्लेट जब आप शादियों में जाते हो बुफे सिस्टम में, एक प्लेट यहाँ पे गुलाब जामुन, यहाँ पे खीर, पनीर, छोला, चावल, दो दो तीन तीन नान, ठीक है, उसी में दही बड़ा, मतलब आप देखियो ना, याद है आप लोगों को, तो बुफे सिस्टम में आप क्या करते हो, सब भर लेते हो, एक मिक्स वाला फ्लेवर आ रहा होता है, एक नए तरीके का टेस्ट आ रहा होता है, ठीक है, पता चला खा रहे पनीर, बगल में चाशनी आ रही है तो शाही पनीर बन गई, कढ़ाई पनीर बिकेम शाही पनीर, तो उस तरीके का सिस्टम हो जाता है। तो वो जो प्लेट होता है जब तुम बड़े मन से खा लेते हो, जब तुम यहां तक भर जाता है तो तुम प्लेट ऐसे उठा के फेंक देते हो, है ना, वो लगे रगे रहते हैं आप ऐसे फेंक देते हो, अरे, और वो टूटते नहीं है, एक्चुअली वो किसके बने होते हैं, उनको पता है कि आप ऐसा करोगे, इसलिए वो इसको बनाए होते हैं मेलामाइन के, ठीक है, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनते हैं इसके, क्या कहते हैं, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज। अगला है एग्जाम्पल रबर। चलिए बात आती है पॉलीमर्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब तक में यही है, एडिशन पॉलीमर और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर की खास बात ये होती है बेटा कि एडिशन पॉलीमर में किसी भी तरीके का बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर में बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जैसे कि पॉलीथीन में देखा था, इथीन से पॉलीथीन बना था, ठीक है, और कंडेंसेशन पॉलीमर में ऐसा होता नहीं है, वहां पर बाई प्रोडक्ट निकलता है वाटर के फॉर्म में या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे प्रोडक्ट। तो एडिशन पॉलीमर को चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं, क्योंकि हमने अभी इथीन से पॉलीइथीन बनाया था, ठीक है, और कंडेंसेशन पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं, ओके, कंडेंसेशन पॉलीमर को क्या कहते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। आगे चलते हैं बच्चों, एडिशन पॉलीमर या चेन ग्रोथ पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर या चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, या तो एल्कीन या तो एल्केनिल एरीन जैसी स्टाइरीन। अच्छा ब्यूना एस अभी तुम देखे भी थे, ब्यूना एस अभी तुम देखे भी थे, ब्यूटा 1,2-डाइईन, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और स्टाइरीन देखो क्या है, स्टाइरीन इज अ
एल्काइनिन एरीन, एरीन मतलब मल्टीपल बॉन्ड यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है भैया, यहाँ पर किस तरीके का पॉलीमराइजेशन होगा, एडिशन पॉलीमर होगा, दिखाता हूं मैं तुमको। तो कह रहे हैं कि पॉलीमर आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे सिमिलर मोनोमर या दो डिफरेंट मोनोमर, दो डिफरेंट मोनोमर का एग्जाम्पल है आपका ब्यूना एस, और सिंगल वाले का क्या एग्जाम्पल है पीटीएफई पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। एग्जाम्पल कहां से आया था, टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन कहां पे आया था, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कोटिंग, ठीक है, हाँ टेफ्लॉन कोटिंग। जनरली बाई प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, यही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एडिशन पॉलीमर में दो तरीके के पॉलीमर होते हैं, एक होता है होमोपॉलीमर, दूसरा होता है हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट सेम होती है, हेट्रोपॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट दो दो ही होती है, जनरली दो ही होती है, हमारे सिलेबस में तो सिर्फ दो तक ही है, ठीक है। हेट्रोपॉलीमर या इन्हीं को कहते हैं कोपॉलीमर, ठीक है, एक से ज्यादा टाइप की मोनोमरिक यूनिट होती है। एग्जाम्पल है ब्यूना एस, और इसके पहले जो होमोपॉलीमर है उसका एग्जाम्पल है पीटीएफई जो है टेट्राफ्लोरोइथीन, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका पॉलीइथीन या इथीन, दिखाते हैं। तो होमोपॉलीमर में क्या लिखा हुआ है कि सेम टाइप की मॉलिक्यूल या मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन होती है और पॉलीमर बनाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है पॉलीइथीन, वो उसकी बेसिक या मोनोमेरिक यूनिट क्या थी, तो कहेंगे सर एथाइलीन या इथीन, उसकी मोनोमेरिक यूनिट है एथाइलीन या इथीन। आगे चलते हैं, देखिए कितना आसान है, बिल्कुल भगवान सत्यनारायण की कथा की तरह चैप्टर चल रहा है। एग्जाम्पल की बात आती है, देखो भैया इथीन, ये पॉलीइथीन देखते हो ना, दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा विनाइल क्लोराइड कौन बना पाएगा, तो कहेंगे सर डबल बॉन्डेड कार्बन के पे क्लोरीन लगा दीजिए, हो गया विनाइल क्लोराइड। मैं आपको दिखा देता हूँ ना कि विनाइल, विनाइल ग्रुप बनाने आता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH ऐसे कर दो, CH कर दो, ये विनाइल ग्रुप है, यहीं पर क्लोरीन लगा दो, दिस इज विनाइल क्लोराइड। अब करना क्या है, तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक करना है और इसी जैसा CH2 CH, यहाँ पर Cl और ये, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक किया, फिर अगेन CH Cl CH2, ऐसे ही रिपीटिंग यूनिट, ऐसे ही रिपीटिंग यूनिट जोड़ते जाइए और पॉलीविनाइल क्लोराइड बना दिया। विनाइल क्लोराइड, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मिलके क्या बनाएंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप, एस्ट्रल पाइप, ये सब ब्रांड के आप देखते हो ना ऐड आता है, सलमान भाई आप जानते हैं ना, सेलोमोन बॉय को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कौन कौन जानता है सलमान सर को, सर कह रहा हूँ भाई, चलो कोई जानता है कि नहीं जानता है, तो वो एस्ट्रल पाइप का ऐड करते हैं, देखा है आपने, तो वही पाइप किसकी बनी होती है, पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड की पाइप बनी होती है। आगे चलते हैं अपने काम की बात पे आते हैं, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की अभी हमारी आपकी बात हुई है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का जो मोनोमर है मैं वो आपको बना के दिखा देता हूँ। मैंने आपको टेट्राफ्लोरोइथेन बताया ना, तो ये है टेट्राफ्लोरोइथाइलीन या इथीन, CF2 CF2, अगेन CF2, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, अगेन यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो भैया ऐसी बहुत सारी यूनिट आपस में जोड़ दो और बन गया PTFE, बन गया PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन या एथाइलीन, पॉली टेट्राफ्लोरो एथाइलीन, दिख रहा है आपको, बहुत सारे टेट्राफ्लोरो एथाइलीन को जो है आप कैसे बना सकते हैं, PTFE या टेफ्लॉन, पॉली टेट्राफ्लोरो एथाइलीन, ठीक है, किसमें यूज करते हैं, यूटेंसिल्स बनाने में, और कहाँ यूज करते हैं, इंसुलेशन में यूज करते हैं, ठीक है। अगली चीज है ओरलॉन, ओरलॉन पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, PAN पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, एक एक करके दिखाते हैं, PAN एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल इसका मोनोमर है और बहुत सारे एक्राइलो नाइट्राइल मिलके क्या बनाते हैं, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। अच्छा एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री करके एक चैप्टर है, वहां पर पॉली एक्राइलो नाइट्राइल सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह है, एक्राइलो नाइट्राइल या पॉली एक्राइलो नाइट्राइल सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह भी काम करता है, याद रखिएगा, जाके देख लीजिएगा बुक में। अब बात आती है एडिशन पॉलीमर में, हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर जो है मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन, तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है ब्यूना एस, तो ब्यूना एस का देखो क्या कौन दो चीजें मिलके बनी है, 1,3-butadiene और स्टाइरीन, 1,3-butadiene और स्टाइरीन ये है, दूसरा है ब्यूना एन, ब्यूना एन क्या है 1,3-butadiene और दूसरा इसकी मोनोमेरिक यूनिट है
क्रोप टू इन नाइट्राइल, ठीक है समझ में आया। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन और या तो विनाइल साइनाइड कह दीजिए या नाइट्राइल ब्यूटाडाइईन कह लीजिए, ठीक है। ब्यूना एन को एनबीआर भी कहते हैं, नाइट्राइल ब्यूनाडाइईन रबर। ओके दो दो देख रहे हैं। अब बात आती है सिंथेटिक रबर की। तो सिंथेटिक रबर क्या है, तो कहेंगे सर ये होमोपॉलीमर है, 1,3-ब्यूटाइन की डाई इन के डेरिवेटिव है, ठीक है। तो नियोप्रीन, नियोप्रीन इसकी बेसिक यूनिट है क्लोरोप्रीन, बहुत सारे क्लोरोप्रीन मिलके क्या बनाते हैं नियोप्रीन। तो देखिए ये है आपका क्लोरोप्रीन, क्या बना है ये क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन बहुत सारे क्लोरोप्रीन मिलके क्या बनाएंगे नियोप्रीन, बहुत सारे क्लोरोप्रीन जो है। अभी देखिए डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है, दो दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और आपका क्या बन जाएगा एक नई यूनिट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नियोप्रीन, ठीक है। अब देखिए एक चीज, दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक मत कीजिए, एक मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको यहां पे कर दीजिए, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ये बन जाएगा कुछ और बहुत सारे। तो देखो ये है CH2 CCl CH डबल बॉन्ड CH2 अगेन CH2 CCl CH डबल बॉन्ड CH2। भैया तुम कुछ मत करो, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले आ दो, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लोकेट कर दी हो तो उसे कोई मतलब ही नहीं। फिर ये वाला यहाँ ले आ दो, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना था, ये ब्रेक कर दिए, ये देखो तो बन गया क्या CH2 CCl डबल बॉन्ड CH2 CH2 CCl CH CH2, इसी तरीके की दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, तो बना के दिखा दिए मैंने। बहुत आसान चैप्टर है यार ये, तो मैं पता नहीं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, बस आपको नंबर आ जाए इसलिए पढ़ा रहा है। ब्यूना एस किस तरीके से मिलता है, तो कहेंगे सर इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है वो दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये है स्टायरीन, क्या है स्टायरीन, तो लिखा कैसे बना है स्टायरीन, तो कहेंगे सर बेंजीन बना दिया है और इसके बाद लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, यही वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ओके, और इसके बाद ये है, तो देखो क्या बनेगा आगे चल के, दिख रहा है, ठीक है। तो ये बना हुआ है इस ब्यूना एस, बना लो बहुत आसान है, ये बना लो ब्यूना एस, तो बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें, चलिए आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल ब्यूना एन, तो देखो क्या है ब्यूटा 1,3-ब्यूटाडाइईन और इसके साथ में क्या मिला हुआ है एक्राइलो नाइट्राइल, 1,3-ब्यूटाडाइईन और साथ में क्या बना है एक्राइलो नाइट्राइल और इसको मिला करके क्या मिले बनेगा भैया, बनेगा ब्यूना एन, क्या बनेगा ब्यूना एन। तो ब्यूना एन और ब्यूना एस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लो नेचुरल पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर में डिफरेंस देख लेते हैं, नेचुरल पॉलीमर कैसे नेचर के द्वारा और प्रिपेयर्ड कहाँ होते हैं, सिंथेटिक लैब में प्रिपेयर होते हैं, इनकी यूनिफॉर्म लेंथ नहीं होती लेकिन इनकी यूनिफॉर्म लेंथ होती है सिंथेटिक में, इनकी जो है दे प्रोसेस वेरी हाई एफिनिटी फॉर सल्फर एंड वैट डाइज, ये बहुत कम एफिनिटी रखते हैं सल्फर या वैट डाइज के लिए, फिक्सिंग क्वालिटी लो होती है, फिक्सिंग क्वालिटी हाई होती है, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि ब्यूना एन और ब्यूना एस में डिफरेंस बता दीजिए, तो ब्यूना एन ब्यूना एस दोनों ही कोपॉलीमर है लेकिन ब्यूना एस में जो एक रिपीटिंग यूनिट होती है वो होती है स्टायरीन
और ब्यूना एन में क्या होती है रिपीटिंग यूनिट, ब्यूटा 1-2-1-3 डाइईन, साथ में आती है एक राइलो नाइट्राइल। आगे चलते हैं, ठीक है, कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो पहला है नाइलॉन 6-6, दूसरा है ब्यूना एस और तीसरा है पॉलीइथीन। तो ऑर्डर पहले वाले में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा नाइलॉन 6-6 क्योंकि वहां पर एमाइड लिंकेज होगा, उसके बाद होगा पॉलीइथीन और उसके बाद आएगा ब्यूना एस। सिमिलरली यहाँ पर देखिए दूसरे एग्जांपल में तो नाइलॉन 6 नियोप्रीन पीवीसी, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन की, बहुत सारे क्लोरोप्रीन मिलके बना रहे हैं, होमोपॉलीमर है, और नाइलॉन 6 एमाइड लिंकेज प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा होगा नाइलॉन 6, उसके बाद होगा पीवीसी और सबसे कम होगा नियोप्रीन। चलिए आगे चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं। चलिए ये है मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स। मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स में देखते हैं, पॉलीमर आर क्लोजली रिलेटेड टू द मॉलिकुलर मास, साइज एंड स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा मॉलिकुलर मास है, जितना ज्यादा साइज, उतना ज्यादा कंडेंस्ड या डेंस्ड पॉलीमर हो सकता है। पॉलीमर सैंपल कंटेनिंग अलग अलग लेंथ होती है, इसलिए मॉलिकुलर मास जो है वो एवरेजली एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो कह रहे हैं ये सब आपके काम का नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ठीक है, मीन वैल्यूज निकाल रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं आपके एग्जाम से आपके। चलिए अब आती है बात पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स कभी एग्जाम में नहीं आता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम आपको पढ़ा देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जैसे कि आजकल के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस होते हैं, आजकल के ऑर्थोपेडिक, देखो ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस लगवाने का सबसे बड़ा डीमेरिट क्या होता है कि एक बार आपको ऑपरेट करा के वो डिवाइस लगवानी पड़ती है, और फिर जब आप सही हो जाते हो तो फिर वो ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस जो है वहाँ से फिर निकालना पड़ता है। तो मतलब दो बार आपकी सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि बहुत कह सकते हैं कि पेचीदा काम है, ठीक है, बहुत जो है टाइम टेकिंग भी है और हीलिंग में भी टाइम लगता है, और पेशेंट इस चीज़ को बहुत इग्नोर करता है, ठीक है, एक कहते हैं रॉड लगवा ली, दोबारा निकलवाने नहीं आ रहे हैं, सोचते हैं बाद में करा देंगे, लेकिन मतलब ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। तो ऑर्थोपेडिक डिवाइस अगर ऐसा हो कि वो अपने कुछ टाइम के बाद, जैसे 1-2 साल के बाद, वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर ही डिसइंटीग्रेट हो जाए, जब हमारी बोन बढ़िया फॉर्म हो जाए जितने टाइम पे भी, तो वो ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाए, बॉडी के अंदर ही बायोडिग्रेडेबल होंगे, तो हमको दोबारा ऑपरेट करके उन रॉड्स को निकलवाना नहीं पड़ेगा या ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस को निकलवाना नहीं पड़ेगा। इसी पर्पस के लिए आते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और इसके भी बहुत सारे और भी पर्पस हैं, पॉल्यूशन ना हो। जैसे आजकल के आप देखे होंगे कॉटन बैग्स का बहुत चलन है, प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड, सिंगल यूज प्लास्टिक को कट डाउन करना है, तो उसी चीज पे आता है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होना चाहिए। पॉलीमर जो कि लिविंग सिस्टम में जो है क्विकली डिग्रेड हो जाए, एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर कंटेन फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल ग्रुप सिमिलर टू द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द बायो पॉलीमर, ठीक है, जैसे कि लिपिड में, जैसे कि फैट में जो बॉन्ड होते हैं, जो लिंकेज प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियोटाइड में लिंकेज प्रेजेंट है, ऐसा कोई लिंकेज होगा तो भाई वो बायो कंपैटिबल होगा, उसको बायोडिग्रेडेबल होगा। और इट इज़ यूज इन द स्पेशलिटी पैकिंग, ठीक है, तो पैकेजिंग पर्पजेज में, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज में, और मेडिसिन फील्ड में कहाँ पर, कैप्सूल्स में। अगली बात आती है, देखिए बहुत बहुत कॉमन एग्जाम्पल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड पॉली ब्यूटा हाइड्रोक्सी वैलरेट। तो जो है पी एच बी वी पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, पॉली हाइड्रोक्सी वैलरेट, तो दोनों मिलके भैया एक जो है पॉलीमर बनाते हैं। ये को पॉलीमर है, को पॉलीमर का मतलब है यहाँ पर बाय प्रोडक्ट निकलेगा, और बाय प्रोडक्ट निकलेगा वाटर के फॉर्म में। ये बनाना हो स्ट्रक्चर बना लीजिए, ऑर्थोपेडिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़े। दूसरा एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स। ठीक है, नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स ये लिख लीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ये भी बायो कॉम्पैटिबल है, ये भी बायो डिग्रेडेबल है, नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स। अब देखो आता है पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा वैलरेट और नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स। तो पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा वैलरेट, ठीक है, और पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, दो है ना इसकी पॉलीमर मोनोमेरिक यूनिट, को पॉलीमर है। तो देखो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक, तो थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा है थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। एक होता है वैलरेट, एक होता है ब्यूटरेट। जो ब्यूटरेट है वो थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है, जो वैलरेट है वो है थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये देखो थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड आपस में मिल जाते हैं और देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, दे फॉर्म व्हेन वेरियस मॉलिक्यूल कंबाइन दे फॉर्म पी एच बी वी। ठीक है, और देखो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, H2O क्या निकल रहा है, माइनस एच टू ओ, नोट कर लो। नोट कर लीजिए बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंकेज याद कर लीजिएगा, दिस इज द ईस्टर लिंकेज। कौन सा लिंकेज है, ईस्टर लिंकेज है। चलिए अगला देखिए क्या लिखा है, नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स, दिस इज नाइल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये मोनोमर है, याद रखिएगा ये मोनोमर है, ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड जब ये मिलते हैं तो ये बनाते हैं नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स। यहाँ पर एमाइड लिंकेज होता है प्रेजेंट, यहाँ पर एमाइड लिंकेज होता है और बाई प्रोडक्ट है यहाँ पर भी वॉटर, दिख रहा है बाई प्रोडक्ट है यहाँ पर भी वॉटर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और जल्दी से जल्दी से ये खत्म करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कह रहे हैं कि ये बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए पैकेजिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में आप दिख भी रहा है, सर्जिकल सूचर्स बहुत सारे इम्प्लांट लगवाती हैं, लेडीजें इम्प्लांट लगवाती हैं, ठीक है, तो वो इम्प्लांट भी इसी मटीरियल के बने होते हैं, पी एच बी वी टाइप बायोडिग्रेडेबल। हाँ, तो नेम ऑफ पॉलीमर, पॉलीप्रीन प्रोपीन मोनोमर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट आप जरूर नोट कीजिए, ये फ्लो चार्ट आप जरूर नोट कीजिए, ये आपके बहुत काम का है। ठीक है, तो ये इनका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, रोप बनाने में, टॉयज बनाने में, पाइप्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में, पॉली स्टाइरिन। ठीक है, तो बहुत सारे स्टाइरिन मिलके क्या बनाते हैं, पॉली स्टाइरिन, इसका इस्तेमाल करते हैं इंसुलेटर में, राइटिंग मटेरियल में, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज में, रेडियो, टेलीविजन, कैबिनेट्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट, हैंडबैग्स, विनाइल फ्लोरिंग एंड वाटर पाइप्स। दूसरा है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का इस्तेमाल करते हैं अनब्रेकेबल क्रोकरीज बनाने के लिए, मेलामाइन। ठीक है, और क्या है, लैमिनेटेड शीट्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं ग्लिप्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एथाइलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, एथाइलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, ग्लिप्टल, और एथाइलीन ग्लाइकॉल और टेरिपथैलिक एसिड ये क्या बनाते हैं, ऑर्लॉन। ठीक है, अगली चीज आती है बेकेलाइट, बेकेलाइट, अच्छा ऑर्लॉन, ऑर्लॉन से क्या याद आया, ये कपड़े वपड़े चादर वगैरह बनाने के में काम आती है। अगला एग्जाम्पल है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, तो एग्जाम्पल है बेकेलाइट का, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में काम आती है। ठीक है, अनब्रेकेबल कप्स बनाने के काम आती है और इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम आती है। अब बात आती है नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहली डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है कि इनका जो प्रिपरेशन है, सोर्स ऑफ दियर प्रिपरेशन, तो नेचुरल ऊल से और यहाँ पर क्या है, लैब में बनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन, तो एक में नॉन यूनिफॉर्म होती है, एक में यूनिफॉर्म होती है, एफिनिटी सल्फर तो कहेंगे नेचुरल वाले में ज़्यादा होती है और उसमें कम होती है। इसके बाद आती है फिक्सिंग क्वालिटी, तो इसमें लो होती है, इसमें हाई होती है।
चलिए अगली हेडिंग डालिए, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पॉलीइथीन यूजिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीइथीन यूजिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आगे क्या करके चलते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन फॉर बाय यूजिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इनिशिएटर यूज करते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। तो आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मैंने आपको कितनी चीजें पढ़ाई है, हेल्पर पढ़ाई है। क्या पढ़ाया मैंने आपको? हेल्पर, हीट इलेक्ट्रिसिटी लाइट परऑक्साइड और रिडक्शन, हीट इलेक्ट्रिसिटी लाइट परऑक्साइड रिडक्शन, ठीक है। देखिए तो फ्री रेडिकल बन रहा है, बेंजोइल परऑक्साइड इज अ रिएक्शन इनिशिएटर, इट इज यूज्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। फ्री रेडिकल बना, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और फेनाइल रेडिकल बना, ठीक है। तो पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा स्टेप है चेन प्रोपगेशन स्टेप, तीसरा स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप। कहां पे हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म में सारी चीजें। आप खाली आप प्रोडक्ट पे फोकस करो, ये बने हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या बना आपका? पॉलीइथीन, बहुत सारे इथीन मिलकर क्या बना दिए? पॉलीइथीन। अब आगे की बात करते हैं, तो यहां पर आती है बात मोनोमर एथाइलीन। तो पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एनायनिक कैटायनिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपके काम का नहीं है। अब आती है बात पॉलीएमाइड्स की, पॉलीएमाइड्स की बात करते हैं। तो पॉलीएमाइड में क्या कह रहे हैं कि दीज पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज क्या होता है? CONH, इस टाइप का जो लिंकेज होता है इसको कहते हैं एमाइड लिंकेज। यही सेम लिंकेज हमको प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के बीच में, बहुत तो अमीनो एसिड्स के बीच में एमाइड लिंकेज ही पाया जाता है। तो दीज पॉलीमर पोजेसिंग एमाइड लिंकेज एंड आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड इनसिलिए, इनको हम क्या कहते हैं? नाइलॉन्स। जितने भी नाइलॉन्स हैं उन सब में एमाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसा होगा? तो भाई एमाइड लिंकेज है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो जितने भी नाइलॉन के नाइलॉन होंगे, सारे के सारे नाइलॉन आपस में एमाइड लिंकेज की मदद से जुड़ेंगे, और ये सारे के सारे एग्जांपल हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, मतलब इनमें बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। आगे की ओर चलते हैं, तो ये है नाइलॉन। नाइलॉन जो है इज मेड फ्रॉम न्यूयॉर्क लंडन। साइमल्टेनियसली द पॉलीमर वॉज डिस्कवर्ड इन बोथ प्लेसेस, ठीक है। ये कंडेंसेशन है पॉलीमर, पॉलीएमाइड फाइबर है, एसिड और एमीन के बीच में लिंकेज है, एमाइड लिंकेज है। देखो ये है CONH, दिख रहा है, ये है एमाइड लिंकेज, यही पढ़ाया मैंने, दिस इज द एमाइड लिंकेज। तो हमारे काम का सिर्फ इतनी चीज है, ये है एमाइड लिंकेज। और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या निकला है? वाटर। याद रखना OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप कहाँ से निकलता है? एसिड से, याद रखना। अगला है नाइलॉन, दो तरीके के होते हैं, एक होता है नाइलॉन 6, दूसरा होता है नाइलॉन 66। नाइलॉन 6 इज द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर, ठीक है। तो नाइलॉन 6 पॉलीएमाइड फाइबर है, ये दो स्टेप में बनता है, पहला फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। ये जो है इनका, इसका जो मोनोमर होता है नाइलॉन 6 का, वो होता है कैप्रोलैक्टम। क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। तो बहुत सारे कैप्रोलैक्टम, ठीक है, ओके। चलिए यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लिया और यहां पर NH2 लगा दिया और देखो क्या बन गया, दिस विल बिकेम कैप्रोलैक्टम। क्या है ये बेटा? ये है मोनोमर, ये है मोनोमर, याद रख। कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6। अब देखो क्या हुआ कि ये कैप्रोलैक्टम, बहुत सारे कैप्रोलैक्टम मिलके ये बॉन्ड टूटा, बहुत सारे कैप्रोलैक्टम मिलके क्या बनाएंगे? तो कहेंगे सर बहुत सारे कैप्रोलैक्टम मिलके क्या बनाएंगे? नाइलॉन 6, इस तरीके का, दिख रहा है, बहुत सारे कैप्रोलैक्टम। ये आपने बॉन्ड तोड़ा, ये पूरी चेन खुल गई, ये पूरी चेन खुल गई इस तरीके से, देखो ना, ये CO यहाँ आ गया, ये देखो 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार CH2 लग गया और ये आखिरी वाला NH यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, नहीं समझ में आ रहा तो यार बना दे रहे हैं।
ठीक है, बहुत सारे कैप्रोलैक्टम, बहुत सारे कैप्रोलैक्टम इसी तरह रिपीट करके क्या बना देंगे, तो कहेंगे सर नाइलॉन 6। समझ आ रहा है बच्चों? चलिए अब आगे चलती है, बात करते हैं नाइलॉन 6-6 की। नाइलॉन 6-6 में इट इज अ पॉलीएमाइड फाइबर। आगे की बात करते हैं, यहाँ पर दो मोनोमर होता है, एक मोनोमर है एडिपिक एसिड, दूसरा मोनोमर है हेक्सामेथाइलीन डाइअमीन। ठीक है, तो एडिपिक एसिड देखो क्या है, ये है एडिपिक एसिड, दो एसिड ग्रुप है, चार CH2 ग्रुप है, हेक्सामेथाइलीन डाइअमीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सामेथाइलीन डाइअमीन। अब भैया कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, तो कहेंगे सर यहाँ से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर रिलीज करना है। क्या रिलीज करना है? -H2O। ओके, और यहाँ पर किस तरीके का लिंकेज है, ये देखो -H2O किस तरीके का लिंकेज है, तो कहेंगे सर CONH लिंकेज। किस तरीके का लिंकेज है? CONH मतलब एमाइड लिंकेज है। कौन सा लिंकेज है? एमाइड लिंकेज। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए, ये एग्जांपल है टेरिलीन और दूसरा है मेलामाइन। टेरिलीन और मेलामाइन ठीक है, जाके एनसीईआरटी खोल लीजिएगा, बस आपको सब समझ में आ जाएगा। टेरिलीन और मेलामाइन, मेलामाइन का इस्तेमाल करते हैं अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के लिए, और टेरिलीन का इस्तेमाल क्या करते हैं भैया, फैब्रिक या कपड़े वगैरह, चादर वगैरह, जो कौन ऐड करता है, शाहरुख खान साहब ऐड करते हैं ना, कौन सा, डैक्रॉन ऐसा कुछ करके कोई ब्रांड है, डैक्रॉन यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। देखो भैया यही है, टेरिलीन का ही दूसरा नाम है डैक्रॉन। ठीक है, टेरिलीन का ही दूसरा नाम है डैक्रॉन। ठीक है, ये जो है कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉली ईस्टर फाइबर्स होते हैं। ठीक है, एसिड ईस्टर कब बनता है, एसिड और एल्कोहल के लिंकेज से। याद रखना, ईस्टर के फॉर्मेशन में हमेशा एल्कोहल OH ग्रुप कहाँ से निकलता है, एसिड से। याद रखना, बच्चे बहुत गलत करते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में, बच्चे इतनी गलतियां करते हैं, वो क्वेश्चन आ जाता है तो वो एल्कोहल से OH निकाल देते हैं और एसिड से RH निकाल देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। याद रखिएगा, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो ईस्टर बन रहा है, तो मोनोमर क्या है, तो कहेंगे देखो यही बताया था ना, ग्लिप्टल में थैलिक एसिड और डैक्रॉन में या टेरिलीन में टेरिथैलिक एसिड। बताया था ना अभी कुछ देर पहले, ये बात बताई थी कि ग्लिप्टल में थैलिक एसिड और एथाइल जो है डैक्रॉन में क्या है, टेरिथैलिक एसिड, डैक्रॉन या जो है टेरिलीन में टेरिथैलिक एसिड। चलिए ये स्ट्रक्चर बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बना लो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कैसी है, स्टेरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन हो रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर टेरिलीन, बना लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डाइमिथाइल टेरिप्थैलेट, इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ डाइमिथाइल टेरिप्थैलेट। अब बात आती है कि मेलामाइन क्या है, तो मेलामाइन जो है वही जो है जो बेकेलाइट का कॉम्पोजिशन है, वही सेम कॉम्पोजिशन है जो है इसका भी, मेलामाइन का भी, बस वहां पर फॉर्मल्डिहाइड, वहां पर मिथाइलेशन हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइलेशन इतना नहीं होगा जितना जो है बेकेलाइट में होगा। ठीक है, तो ये देखो क्या है, तो कहेंगे सर दो सब यूनिट्स हैं, दिख रहा है रेजिन, दिख रहा है फेनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन या मेलामैक। यहां से आप याद रखिएगा, दिखा रहा हूं, तो मेलामाइन, ठीक है, व्हाट आर द मोनोमर ऑफ मेलामाइन। ठीक है, तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये क्या है, तो कहेंगे सर फेनाइल ग्रुप है या बेंजाइल ग्रुप है, और इसमें आपने क्या कर दिया, ओके, दिख रहा है आपको क्या स्ट्रक्चर बना, रेजिन बना, रेजिन इज अ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर,
और इसके बाद क्या हो रहा है, जब यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है तो यहाँ पर और पॉलीमराइजेशन होता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं मेलामाइन या मेलामैक। ठीक है, मेलामैक इस्तेमाल होता है अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाने में। अब अगली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीस्टर या बेकेलाइट। तो पॉलीस्टर या बेकेलाइट में बात करते हैं तो ये दीज आर द कंडेंसेशन पॉलीमर अगेन। ठीक है, इट इज पॉलीमर प्रोडक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई ऑल्स डेक्रॉन टेरिलीन जो है, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है पॉलीस्टर के। ठीक है, इसके बाद जो है इट इज मैन्युफैक्चर बाय द मिक्सचर ऑफ, देखो डेक्रॉन का तो पता ही है तुमको, एथाइलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थैलिक एसिड अभी पढ़ाया है। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैटलिस्ट है जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। डायक्रॉन फाइबर जो है ग्रीज रेजिस्टेंट होते हैं, ब्लेंडिंग विद कॉटन और वूल फाइबर्स ये जो है रीइंफोर्सिंग मटेरियल होते हैं, हेलमेट सेफ्टी मटेरियल इन द सेफ्टी हेलमेट इटीसी। डायक्रॉन या टेरिलीन कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। अब बात आती है फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड दैट इज कॉल्ड एज बेकेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी मोनोमेरिक यूनिट एग्जाम में आ चुकी है और जितने भी अभी तक पढ़ा है सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर्स में आया ना हो। आप बिल्कुल जाके देखिएगा आज की क्लास में जितने पॉइंट्स पढ़ाए हैं सारे सारे पॉइंट्स ऑलरेडी क्वेश्चन है। तो अगला एग्जाम्पल है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड जो है जब इनमें जो है आप क्या करते हो, ये देखो बने हैं ना, बहुत बने हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड मिलके इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। अब ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं आपस में मेथाइलेशन होता है इनका, क्या होता है मेथाइलेशन होता है पॉलीमराइजेशन के लिए। देखो ये सब है ना, अब यहाँ से देखो वाटर निकल रहा है, मीन सब देखो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है ना, दिस इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड देखो। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं। अब देखो इस तरीके से ये इतनी बड़ी, अब देखो ये लिखा हुआ है नोवोलैक। नोवोलैक का मतलब क्या है, जो आप पेंट होता है, पेंट होता है, पेंट इज अ नोवोलैक, नोवोलैक को ही पेंट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये बन रहा है नोवोलैक। अगर हम इसी को, अगर हम इसी में कुछ ना करें, बहुत सारे नोवोलैक जो लीनियर पॉलीमर हैं उनमें जो है हम क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन करा दे तो जो बनेगा, देखो यहाँ पर हम मेथाइलेशन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं याद रखना, नोवोलैक में अगर हम मेथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, मेथाइलेशन करा दे रहे हैं, CH2 यूनिट ऐड करा दे रहे हैं, यहाँ पर अगर CH2, ये देखो CH2, ये देखो CH2, ये तो है ही है, इसके अलावा अगर यहाँ पर भी करा रहे हैं तो ब्रांचिंग अगर बहुत ज़्यादा करा रहे हैं मेथाइलेशन ऐड कराने से, यहाँ पर क्या होगा कि बहुत जो है कंडेंस स्ट्रक्चर बनेगा और बहुत ज़्यादा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे कंपाउंड करनाएंगे, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बन जाएंगे, देख रहे हो, तो क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर। और इसीलिए जो भी हम इनको हीट करते हैं ये और टफ हो जाते हैं, इसीलिए कभी भी कबाड़ी वाला आप लोगों से इलेक्ट्रिकल स्विचेस नहीं खरीदेगा, आप कभी भी उनको बेचने जाना तो वो आपको नहीं खरीदेगा, मना कर देगा, इसीलिए कर देगा क्योंकि जैसे ही आप उसको जो है सोचोगे कि गर्म करके इसको कुछ और मोल्ड करके कुछ और बना ले वो किसी काम का नहीं होगा, वो बल्कि और रिजिड हो जाएगा। इसीलिए जब स्विचेस में आग लग जाती है या जल जाती है तो और कड़ी हो जाती है। नॉर्मल होता क्या है, प्लास्टिक अगर जलता है तो गल जाता है, लेकिन वहां पर क्या हो जाता है और कड़ा हो जाता है। कंडेंसेशन ये क्या है, क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है बेकेलाइट, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में इस्तेमाल होता है, ग्रामोफोन वगैरह में इस्तेमाल होता है। अब बात आती है नेचुरल रबर और वल्केनाइज्ड रबर में क्या अंतर है। ठीक है, तो नेचुरल रबर क्या है, तो को पॉलीमर होते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक स्पीसीज। ठीक है, तो को पॉलीमर बनाते हैं, जाहिर सी बात अभी मैंने पढ़ाया होमोपॉलीमर पढ़ाया और हेट्रोपॉलीमर या को पॉलीमर आपको पढ़ा दिया। आगे की बात करते हैं तो ब्यूटा 1,3-डाइईन और स्टाइरीन, तो ब्यूना एन भी रबर है। ठीक है, पीवीसी वगैरह आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो देखो क्या कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल कह रहे हैं नेचुरल रबर का, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल अच्छा है कि नेचुरल रबर तो और तो ब्यूना एस, ब्यूटा 1,2-डाइईन, 1,3-डाइईन और स्टाइरीन, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऑटो टायर्स में, फ्लो टाइल्स बनाने में, फुटवेयर बनाने में और केबल इंसुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल रबर होता क्या है, नेचुरल रबर लैटेक्स से ऑप्टेन किया जाता है, इट इज अ कोलॉइडल सस्पेंशन,
लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन, लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन स्ट्रक्चर, वो देखो जरा 2-methyl-1,3-butadiene, देखो ये स्ट्रक्चर है 2-methyl, तो यहाँ से नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, 2-methyl-1,3-butadiene, बस इनका पॉलीमराइजेशन करा दो, आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करा दोगे तो बन जाएगा पॉली आइसोप्रीन। ये देखो नेचुरल रबर बन गया, ऊपर वाला दिख रहा है, ये है आपका नेचुरल रबर। अब अगर इसी में आप सल्फर भी ऐड करा दो तो बन जाएगा वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है, ओके। हाँ ये देख लो बेटा, अब बात करते हैं आगे, दिख रहा है आपको CH2। अब ये है सिस पॉली आइसोप्रीन। अच्छा ट्रांस पॉली आइसोप्रीन को गटा पारचा कहते हैं, अगर इसी तरह सिस की जगह ट्रांस आ जाए, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, तो इसको कहेंगे गटा पारचा। देखो कैसे तुमको पता चला सिस, ये है मॉलिकुलर प्लेन और इसके नीचे देखो दोनों चीज सेम, ये है मॉलिकुलर प्लेन, इसके ऊपर दोनों चीज सेम, ये है मॉलिकुलर प्लेन, नीचे की दोनों चीज सेम, तो इसलिए इसका नाम आया सिस पॉली आइसोप्रीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। इसके बाद आपको अगर यही सेम चीज जो है ट्रांस में हो जाए तो आप कहेंगे जो स्ट्रक्चर बना वो कहलाएगा गटा पारचा, ठीक है, डेंटिस्ट्री में बहुत यूज होता है, ठीक है। अब बात आती है रबर, सिंथेटिक रबर जो है इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज और लेबोरेटरीज, ठीक है, पॉली आइसोप्रीन नॉन इलास्टिक क्रिस्टलाइन, सिंथेटिक रबर, ठीक है, नॉन इलास्टिक, तभी तो टायर टिके रहेंगे, हाँ ठीक है। ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, तो अब बारी आती है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो ये थे भैया चार्ल्स गुडियर, गुडियर साहब के ही नाम पर गुडियर कंपनी है टायर की, ठीक है, तो चार्ल्स गुडियर साहब थे जिन्होंने रबर का वल्केनाइजेशन किया था, ठीक है। ये है लैटेक्स, तो इनके ड्रॉबैक क्या है, लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो जाती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, नॉन रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के लिए वल्केनाइजेशन इज डन, तो इसमें क्या करते हैं, हीट करते हैं रॉ रबर को 3-5% सल्फर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सल्फर जो है वो क्रॉस लिंकिंग बना लेता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो देखो इस तरीके की डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाता है, इसी को कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो 5% सल्फर का इस्तेमाल करते हैं टायर्स की मैन्युफैक्चर में, ठीक है, और बहुत सारे सिंथेटिक रबर हैं जिनका जो विच इज यूज टू बी स्टडीज आर एज फॉलो। तो एक देखिए ये लिखा हुआ है ब्यूना एस रबर, दूसरा है ब्यूना एन रबर, देख रहे हैं कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ब्यूना एन। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, नियोप्रीन रबर, ठीक है, ब्यूटाइल रबर, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीइथीन यूजिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, चलिए ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने आपको ये चैप्टर की हर चीज डिस्कस कर दी, एक सेकंड रुक जाइए, देखें कुछ छूटा तो नहीं, चलिए। तो मैंने ये पूरा चैप्टर आपको डिस्कस कर दिया है, आप लोग घर पे जाकर के एक बारी पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू फॉर द क्लास। देखें कितनी देर की क्लास चल गई, चलिए फाइन। तो आप लोगों इस चैप्टर को एक बार वीडियो को पॉज कर करके स्ट्रक्चर बना लेना, रिवाइज कर लेना, चैप्टर खत्म है, कुछ था ही नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। अगर कुछ एक दो चीजें मुझे पढ़ानी होगी तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं बायो मॉलिक्यूल, मैं उस चैप्टर की दो क्लासेस ही लूंगा और दो क्लास में उस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है इस पर क्वेश्चन, और फिर से ये आपको नीट में एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो दे के जाता है, मिनिमम तो एक आएगा ही आएगा, जेई में भी एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो छोटे चैप्टर है, काम आएंगे, जरूर पढ़िए, इग्नोर किसी को मत कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर्स भी आपको उतने ही नंबर के वेटेज देंगे जितने नंबर के वेटेज आपके एक टफ चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू फॉर द क्लास।
ओके चलिए बाय बाय गुड नाइट।